आपको बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से टेस्टी और चटपटा नाश्ता बनाना बताती हूँ। कैसे बनाया जाता है इसे मैं गेहूं के आटे और आलू से बनाऊंगी। ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। नाश्ता बनाने के लिए ये मैंने एक कप गेहूं का आटा लिया है जिसे हम चपाती बनाते हैं। चार मीडियम साइज के आलू जिसे बॉईल करके मैंने हाथ से छोटे पीस में फोल्ड लिया है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नाश्ते का बैटर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक बाउल लिया है। अब मैं इसमें आटे को डाल देती हूँ। आधी छोटी चम्मच नमक, नमक को आटे में मिक्स कर लेती हूँ। ये मैंने एक कप पानी लिया है, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके बैटर तैयार करूंगी। पानी आप थोड़ा थोड़ा करके ही डालें जिससे कि इसमें लम्स ना पड़े। अब मैं इसमें थोड़ा पानी और डाल देती हूँ। इसको इस तरीके से मिक्स करना है। अब कप में जो पानी बचा था वो भी डाल देती हूँ। मैंने इसके अंदर एक कप पानी डाल दिया है। हमें बैटर को बिल्कुल स्मूथ बनाना है। मुझे ये बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है। अब मैं इसके अंदर और पानी मिक्स करूंगी। मैंने एक कप पानी लिया है, इसमें से मैं आधा कप पानी डाल देती हूँ और इसको मिक्स कर देती हूँ। हमें इस तरीके से मिक्स करना है। मैंने बैटर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमें इस टाइप का बैटर चाहिए जैसे हम चीले का बनाते हैं। इस बैटर को बनाने में डेढ़ कप पानी का यूज हुआ है, आधा कप पानी बच गया है। अब मैं इस बैटर को 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देती हूँ और इसे ढक देती हूँ। जब तक बैटर सेट हो रहा है हम स्टफिंग बना लेते हैं। गैस पे कढ़ाई रख दी है। अब मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देती हूँ। ऑयल को गर्म होने देती हूँ। ऑयल गर्म हो गया है, अब मैं इसके अंदर एक चुटकी हींग डाल देती हूँ। आधी छोटी चम्मच जीरा, जीरे को भूनने देती हूँ। एक हरी मिर्च, मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। आधा इंच अदरक का टुकड़ा जिसे छोटे पीस में काट लिया है। एक मीडियम साइज की प्याज, इसे भी मैंने छोटे पीस में काट लिया है, इसे भी डाल देती हूँ। इन सभी चीजों को मैं हल्का सा भून लेती हूँ। गैस को मैंने मीडियम कर दिया है। हमें प्याज को हल्के गोल्डन कलर का भूनना है। प्याज हल्के गोल्डन कलर की हो गई है। अब मैं इसके अंदर थोड़े से करी पत्ते डाल देती हूँ। अब मैं इसके अंदर एक मीडियम साइज का टमाटर डाल देती हूँ। टमाटर को मिक्स कर देती हूँ। अब मैं इसके अंदर नमक डाल लेती हूँ जिससे टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा, नमक टेस्ट के अनुसार। और टमाटर को हल्का सॉफ्ट होने तक पकाऊंगी। टमाटर भी सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसके अंदर आधा कप फ्रोजन मटर डालूंगी। वेजिटेबल आप कोई भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। आप इसके अंदर गाजर डाल सकते हैं, शिमला मिर्च डाल सकते हैं। अब मैं इसके अंदर मसाले डाल देती हूँ। आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच अमचूर, इसे खटाई भी बोलते हैं, आप इसकी जगह एक नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, ये तीखी नहीं होती है, मिर्च आप अपनी टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब मैं सभी मसालों को मिक्स कर देती हूँ। मैं सभी मसालों को इसी तरीके से चलाते हुए 1 मिनट करीब भून लूंगी। मैं इस मटर को ज्यादा सॉफ्ट नहीं करना क्योंकि ये फ्रोजन मटर है, ये हल्की सॉफ्ट होती है। अगर आपके पास फ्रेश मटर है तो आप हल्का सा बॉईल करके इसके अंदर डाल सकते हैं। 1 मिनट करीब हो गया है, मसाला भी भुन गया है। अब मैं इसके अंदर आलू डाल देती हूँ। मैं मसाले में अच्छे से आलू को मिक्स करना है। मैंने आलूओं को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं आलूओं को 1 मिनट करीब इसी तरीके से चलाते हुए भूनूंगी जिससे कि आलूओं का टेस्ट बढ़ जाएगा। 1 मिनट करीब हो गया है, आलू भी भुन गए। अब मैं इसके अंदर हरा धनिया डाल देती हूँ। धनिया को मिक्स कर देती हूँ। अब ये स्टफिंग बनके तैयार हो गई है। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ, स्टफिंग को ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। 20 मिनट करीब हो गए हैं, बैटर भी सेट हो गया है। अब हम इस बैटर से सीट बना लेते हैं। सीट बनाने के लिए मैंने गैस पे तवा रख दिया है। तवा हल्का गर्म हो गया है, हमें इसके लिए हल्का ही गर्म तवा चाहिए। अब मैं इस तवे के ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देती हूँ। हमें बस हल्का सा ही ऑयल लगाना है। अब मैं इसे पेपर नैपकिन से पोंछ देती हूँ। अब मैं तवे पे बैटर को डाल देती हूँ। बैटर को इस तरीके से चला देती हूँ। गैस को स्लो ही रखना है। हमें बैटर को इस तरीके से फैलाना है।
साइज आप अपने हिसाब से बना ले कि सीट आपको कितनी बड़ी बनानी है। इस सीट को बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है, अगर हमने ज्यादा पतला कर लिया तो ये टूट सकती है। देखिए ऊपर से कलर चेंज होना शुरू हो गया है, हमें इस सीट को हल्का ही सेकना है। आप चाहे तो इस सीट पे हल्का सा इस तरीके से ऑयल भी लगा सकते हैं, बस बहुत हल्का सा ही लगाना है। और आप चाहे तो बिना ऑयल लगाए भी सेक सकते हैं, ये नॉन स्टिक तवा है इसीलिए ये सीट इस पे से आसानी से उतर जाती है। मैं साइड से इसको लूज कर लेती हूँ जिससे कि आसानी से उतर जाएगी। अब मैं इसे पलट देती हूँ, हमें इस तरीके से पलटना है। अब मैं दूसरी तरफ से भी सेकने देती हूँ, इस सीट को स्लो गैस पे ही सेकना है। अब मैं पीछे से चेक कर लेती हूँ सिकी है कि नहीं, ये पीछे से सिक गई है, बस हल्की ही सेकनी है। अब मैं इसे उतार लेती हूँ, देखिए मैंने ये उतार लिए, हमें इसी टाइप की सिकी हुई चाहिए। अब मैं तवे पे हल्का सा ऑयल लगा देती हूँ, बहुत हल्का सा ही लगाना है। पेपर नैपकिन से पोंछ देती हूँ और इस बैटर को दोबारा से चलाते हुए हमें तवे पे डालना है। इस तरीके से घुमाते हुए हमें बड़ा करना है। गैस को मैं स्लो ही रखूंगी, जैसे मैंने पहले सेकी थी उसी तरीके से इसको भी सेक लूंगी। अब मैं सीट को भी पलट लेती हूँ, अब मैं दूसरी तरफ से भी सिकने देती हूँ। अब ये पीछे से भी सिक गई है, मैं इसको भी पलट देती हूँ। देखिए दोनों तरफ से ये सिक गई है। अगर आपको बड़ी सीट बनाने में प्रॉब्लम आती है तो आप छोटी सीट भी बना सकते हैं। मैं इस तरीके से सभी सीट बना के तैयार कर लूंगी। मैंने सभी सीटों को बना लिया है, इतने बैटर में 6 से 7 सीटें बन के तैयार हो जाती है। इधर स्टफिंग भी ठंडी हो गई है। सीट को चिपकाने के लिए ये मैंने 1 टेबल स्पून मैदा 2 टेबल स्पून पानी डाल करके घोल बना के तैयार कर लिया है। अब मैं आपको पैटी बनाना बताती हूँ, तो इसके लिए मैं एक सीट ले लेती हूँ, इस तरीके से प्लेट पर फैला देती हूँ। अब मैं इसमें से स्टफिंग ले लेती हूँ और इस स्टफिंग को मैं बीच सेंटर पर रख देती हूँ। हमें स्टफिंग को इस तरीके से बीच सेंटर पर रखना है और इस तरीके से फैला देती हूँ। अब मैं साइड से इस पेस्ट को लगा देती हूँ जिससे कि पैटी अच्छे से चिपक जाएगी। अब मैं सीट को इस तरीके से फोल्ड कर देती हूँ और इधर से भी, और इसे हल्के से दबा देती हूँ। थोड़ा सा पेस्ट में इधर लगा देती हूँ और इसको भी यहाँ से इस तरीके से दबा देती हूँ जिससे कि ये चिपक जाए। और इस साइड में मैं गोल को लगा देती हूँ और इसको इस तरीके से दबा देती हूँ। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए ये एकदम पेटी की तरह बन गई है। अब मैं आपको प्लेट पर भी रख के दिखा देती हूँ, मैंने ये पैटी बना लिया। अब मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ। अब मैं एक सीट और ले लेती हूँ, अब मैं इसके ऊपर स्टफिंग रख देती हूँ। और इसको इस तरीके से सेट कर देती हूँ। अब मैं इस गोल को चारों तरफ लगा देती हूँ। और इसको इस तरीके से फोल्ड कर देती हूँ इधर से भी, गोल को इधर भी लगा देती हूँ जिससे कि ये अच्छे से चिपक जाए, खुले ना। और इसको इस तरीके से दबा देती हूँ
इधर से भी। ये भी बनके तैयार हो गई है। अब मैं इसको भी प्लेट पर रख देती हूँ। इस तरीके से मैं सभी पीस बना के तैयार कर लूंगी। मैंने सभी पोटैटो पैटी बना के तैयार कर ली है। मैंने इनको पोटैटो पैटी नाम दिया है। आप इनको क्या नाम देंगे मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। चलिए अब इनको हम फ्राई करते हैं। मैंने गैस पे पैन रख दिया है। इसके अंदर मैंने 4 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिया है। ऑयल को गर्म होने देती हूँ। ऑयल गर्म हो गया है, हमें इसके लिए मीडियम गर्म ऑयल चाहिए। पैटी का ये वाला पोर्शन है, ये हमें नीचे रखना है। अब मैं इसके अंदर एक और डाल देती हूँ। और इसे मैं तलने देती हूँ। जब एक तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाएगी, इसके बाद मैं पलटूंगी। मैंने इस पैटी को उस तरफ से इसीलिए डाला था जिससे कि ये आपस में चिपक जाए और खुले ना। गैस को मैंने मीडियम कर दिया है। मैं इन पैटियों को मीडियम गैस पे तलूंगी जिससे कि ये क्रिस्पी बने। अब ये गोल्डन कलर की हो गई है, मैं इनको पलट देती हूँ। देखिए कितनी बढ़िया तली है, इसको भी पलट देती हूँ। मैं इन दोनों पेटियों को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी जिससे कि ये क्रिस्पी बने। अब मैं पीछे से भी चेक कर लेती हूँ। ये पीछे से भी फ्राई हो गई है। हमें इन पेटियों को दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। आप देख पा रहे हैं दोनों तरफ से ये फ्राई हो गई है। मैं इनको निकाल लेती हूँ। आप देख पा रहे कितनी बढ़िया सिकर के तैयार हुई है। अब मैं इसमें और डाल देती हूँ। इनको भी मैं उसी तरीके से फ्राई करूंगी जैसे मैंने पहले फ्राई करी है। ये पैटी भी दोनों तरफ से फ्राई हो गई है, मैं इसको भी निकाल लेती हूँ। आप देख पा रहे कितनी अच्छी आटे की पैटीज बनके तैयार हुई है और ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। आप इनको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी क्रिस्पी बनी है। सभी पैटी क्रिस्पी बनी है। अब मैं आपको हाथ में लेके भी दिखा देती हूँ कितनी क्रिस्पी बनी है। अब मैं आपको काट के भी दिखा देती हूँ। कितनी सुंदर लग रही है और ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। आप इनको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आएंगी। आप इन पैटियों को किसी भी हरी चटनी सॉस आप किसी के साथ भी खा सकते हैं। आप इन पैटियों को बनाइए, खाइए, फिर मुझे कमेंट्स करके बताइए कि ये आपको कैसी लगी। मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसे आप प्रेस करना ना भूलिए जिससे मेरी आने वाली वीडियो का मैसेज आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और हम फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।